दोस्तों आज हम सभी अपने स्मार्टफोन में बहुत सारा डेटा स्टोर करते हैं और ये सारा स्टोरेज हो पाता है मेमोरी कार्ड के मदद से, जिसको हम बोलते हैं एसडी कार्ड। और एसडी कार्ड्स के बारे में मेजोरिटी ऑफ लोगों को ज्यादा पता नहीं होता, उन्हें सिर्फ इतना पता होता है कि हाँ भाई इतना जीबी का कार्ड हमें खरीदना है। हम मार्केट जाते हैं और जो सबसे लो प्राइस वाला उतने जीबी का कार्ड होता है वो खरीद लेते हैं। लेकिन दोस्तों मेमोरी कार्ड्स के भी बहुत सारे टाइप्स होते हैं और वो टाइप्स अलग अलग फाइल टाइप्स पे डिपेंड करते हैं। इसीलिए अगर आप अपने नीड्स के हिसाब से सही मेमोरी कार्ड सेलेक्ट नहीं करते हो तो हो सकता है कि आगे आपको प्रॉब्लम हो, या तो आपका फोन लैग करे या फिर आप जो वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हो वो लैग होके चले। तो इस वीडियो में मैं एसडी कार्ड्स और उसके अलग अलग टाइप्स के बारे में बात करूंगा। तो एसडी कार्ड्स के बारे में जानने के लिए आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिए, क्योंकि मैं लाता हूं आपके लिए सारे इन्फॉर्मेशन बिल्कुल ही डिटेल में। तो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है स्नेहल, आप देख रहे हैं टेक्निकल जंक्शन। तो चलिए जानते हैं एसडी कार्ड्स और उसके अलग अलग टाइप्स के बारे में। दोस्तों एसडी कार्ड्स का फुल फॉर्म है सिक्योर डिजिटल, और ये यूज होते हैं किसी भी डेटा को स्टोर करने के लिए। और किसी भी कार्ड पे जब आप डेटा स्टोर करते हो तो आपको दो चीजों का ध्यान रखना होता है, पहला है स्पीड, दूसरा है साइज। साइज इसलिए क्योंकि वो बताता है कि आप अपने कार्ड पे कितना डेटा स्टोर कर सकते हो, और स्पीड इसलिए क्योंकि स्पीड ये बताता है कि आप जब भी कार्ड पे कुछ स्टोर करोगे तो आपको जो डेटा ट्रांसफर रेट है वो कितना मिलेगा, ये बताता है उस कार्ड का स्पीड। और इन्हीं दोनों पैरामीटर जो कि स्पीड है और साइज है, इस पे कार्ड के अलग अलग क्लासिफिकेशन है। तो सबसे पहले जानते हैं साइज के बारे में। तो साइज पे कार्ड के तीन क्लासिफिकेशन है। पहला है HDSC। HDSC का मतलब है सिक्योर डिजिटल स्टैंडर्ड कैपेसिटी। HDSC कार्ड में जो आपको मैक्सिमम साइज मिलता है कार्ड का वो है 4GB। मतलब HDSC कार्ड में आप 128 MB से लेकर 4GB तक के डेटा स्टोर कर सकते हो। 4GB के ऊपर का डेटा या फिर कोई भी फाइल जो कि 4GB से ऊपर है आप HDSC कार्ड में स्टोर नहीं कर सकते। दोस्तों दूसरा आता है SDHC। SDHC का मतलब है सिक्योर डिजिटल हाई कैपेसिटी कार्ड्स। इन कार्ड की जो मैक्सिमम साइज है वो है 32GB, और लिमिटेशन स्टार्ट होती है 4GB से और ये जाते हैं 32GB तक। मतलब 32GB के ऊपर के फाइल आप इन कार्ड पे HDSC कार्ड पे स्टोर नहीं कर सकते। HDSC कार्ड की जो प्राइस होती है वो HDSC से डबल होती है और ये मार्केट में आपको 300-400 रेंज में नॉर्मली मिल जाता है। दोस्तों तीसरा और लास्ट क्लासिफिकेशन साइज पे है HDXC। HDXC का मतलब है सिक्योर डिजिटल एक्सटेंडेड कैपेसिटी कार्ड। HDXC कार्ड में जो आपको कार्ड की साइज मिलती है वो है 64GB से 2TB तक। मतलब 2000GB तक के डेटा आप HDXC कार्ड पे स्टोर कर सकते हो। लेकिन अभी मार्केट में 2000GB तक का कोई भी मेमोरी कार्ड अवेलेबल नहीं है। आगे जब भी हमें नीड होगा ये भी अवेलेबल हो जाएगा। और HDXC कार्ड एक हाई प्राइस्ड कार्ड होते हैं क्योंकि ये बहुत ज्यादा स्टोरेज अपने में स्टोर कर सकता है। दोस्तों ये थे साइज पे कार्ड से कुछ क्लासिफिकेशन। अब बात करते हैं स्पीड की। तो स्पीड पे कार्ड की 6 क्लासिफिकेशन है, क्लास 2, क्लास 4, क्लास 6, क्लास 10, और उसके बाद आता है UHF क्लास 1 और UHF क्लास 3। दोस्तों आप जब भी किसी कार्ड को ध्यान से देखोगे तो वहां पे आपको सर्कल में कुछ नंबर्स दिखाई देंगे, और ये नंबर्स होते हैं 2, 4, 6 और 10। ये सर्कल्स में जो नंबर लिखे हैं वो कार्ड के क्लास के बारे में आपको बताता है। मतलब अगर उस सर्कल में 2 लिखा है तो वो कार्ड क्लास 2 का है, उसी तरह अगर 4 लिखा है तो क्लास 4, 6 लिखा है तो क्लास 6, और अगर उस सर्कल में 10 लिखा है तो वो कार्ड क्लास 10 का है। इनके बाद आपको कुछ और कार्ड ऐसे मिलेंगे जहां पे कोई सर्कल नहीं दिखेगा, वहां पे आपको एक यू दिखेगा, उसके अंदर आपको 2 नंबर मिलेंगे, या तो 1 मिलेगा या तो 3 मिलेगा। तो उसका मतलब है कि वो कार्ड UHF क्लास का है। UHF मतलब अल्ट्रा हाई स्पीड कार्ड। UHF क्लास की 2 क्लासिफिकेशन, क्लास 1 और क्लास 3। तो दोस्तों स्पीड पे हो गए कार्ड के 6 क्लासिफिकेशन। पहले हो गए क्लास 2, उसके बाद क्लास 4, 6, 10, उसके बाद UHF क्लास 1 और UHF क्लास 3। दोस्तों ये जो नंबर्स हैं 2, 4, 6, 8, 10 या फिर 1 या 3, ये आपको ये बताता है कि आपका कार्ड आपको मैक्सिमम कितना स्पीड प्रोवाइड करता है जब भी आप उसमें कोई डेटा स्टोर करते हो। तो मतलब अगर उस सर्कल में 2 लिखा है तो कार्ड आपका हो गया क्लास 2, और क्लास 2 का मतलब है कि वो कार्ड आपको मैक्सिमम 2 MBPS की स्पीड प्रोवाइड करेगा। उसी तरीके से क्लास 4 का मतलब है कि वो कार्ड आपको 4 MBPS की स्पीड प्रोवाइड करेगा, क्लास 6 का मतलब है 6 MBPS की स्पीड, और क्लास 10 का मतलब है 10 MBPS की स्पीड। दोस्तों 10 MBPS की स्पीड कम नहीं है, ये एक हाई स्पीड कार्ड हो गए। लेकिन आज जैसी हमारी नीड्स है, फिर चाहे वो 4K वीडियो स्ट्रीमिंग हो या फिर वर्चुअल रियलिटी हो या फिर ऑगमेंटेड रियलिटी हो,
तो उन केस में हमें क्लास 10 की जो कार्ड्स हैं मतलब 10 Mbps की स्पीड भी कम होती है, और इसीलिए आगे और टेक्नोलॉजी अपडेट हुआ और उसके बाद आया UHS क्लास 1 और 3। और UHS क्लास मतलब अल्ट्रा हाई स्पीड क्लास में जो आपको मैक्सिमम स्पीड मिलती है वो मिलती है 320 Mbps की। दोस्तों यहां तक मैं आपको ये समझ में आ गया होगा कि कार्ड के अलग अलग टाइप्स हैं, वो अलग अलग ऑप्शंस हैं जो कि आपको मार्केट में मिलते हैं। चलिए अब मैं आपको बताता हूं कि आपको अपने नीड्स के हिसाब से अपने स्मार्टफोन और अपने कैमरा में कौन से कार्ड का यूज करना चाहिए। दोस्तों अगर आप अपने स्मार्टफोन में नॉर्मल डेटा रखते हो जैसे कि कोई वीडियो फाइल हो गया या फिर कोई ऑडियो फाइल या अपनी कोई फेवरेट मूवी रखते हो, और इसके अलावा और कोई खास काम आप SD कार्ड जो भी मेमोरी कार्ड आपके फोन में लगा है उससे आप नहीं करते हो, तो आप क्लास 4 या फिर उसके ऊपर के किसी भी क्लास का यूज कर सकते हो। दोस्तों फिर बात आती है अगर आप अपने फोन में कोई SD वीडियो रिकॉर्ड करते हो तो उसके लिए आप क्लास 6 या फिर क्लास 6 के ऊपर के किसी भी क्लास का कार्ड यूज कर सकते हो। अगर आप क्लास 6 के नीचे का कोई क्लास वाला कार्ड यूज करते हो तो पॉसिबिलिटी यह है कि जो भी SD वीडियो आप रिकॉर्ड कर रहे हो उसकी कुछ फ्रेम्स मिस हो जाएंगी, तो बाद में आप जब भी उस वीडियो को देखोगे तो आपको वो वीडियो कहीं ना कहीं लैग होता हुआ दिखेगा क्योंकि कुछ कुछ कहीं पे फ्रेम्स मिस है। दोस्तों बात करते हैं 4K वीडियो रिकॉर्डिंग की। अगर आप अपने फोन में 4K वीडियो रिकॉर्ड करते हो, शूट करते हो और उसको आप स्टोर करते हो SD कार्ड में, तो आपको UHS क्लास 1 या फिर UHS क्लास 3 का कार्ड यूज करना चाहिए। अगर आप उससे नीचे के क्लास के कार्ड यूज करते हो, फिर चाहे वो क्लास 10 हो या फिर क्लास 6 हो, तो पॉसिबिलिटी ये है कि 4K वीडियो शूट करने के लिए जो स्पीड चाहिए आपका क्लास 10 वाला या फिर क्लास 6 वाला कार्ड वो स्पीड मैच नहीं कर पाएगा, तो उस केस में भी आपके वीडियो की फ्रेम्स मिस हो सकती है। ये पॉसिबिलिटी है, जरूरी नहीं है लेकिन मैक्सिमम केस में ऐसा होता है, और बाद में जो आपको वीडियो देखने को मिलेगा वो कहीं ना कहीं लैग करता हुआ दिखेगा। दोस्तों अब बात करते हैं फोन में यूज होने वाले एप्लीकेशंस की। आपको भी बहुत सारे ऐसे एप्लीकेशंस मिलते हैं जो कि मूव टू SD कार्ड का ऑप्शन आपको प्रोवाइड करते हैं, मतलब उन एप्लीकेशंस को आप SD कार्ड पर स्टोर कर सकते हो और वहीं से आप अपने फोन में यूज कर सकते हो। उस केस में आपके लिए क्लास 10 का कार्ड या फिर इसके ऊपर का कोई भी क्लास वाला कार्ड बेस्ट होगा, क्योंकि अगर आप क्लास 10 के नीचे के कोई भी कार्ड यूज करते हो तो पॉसिबिलिटी यह है कि जब भी आप उस एप्लीकेशन को ओपन करोगे तो वो स्मूथ फंक्शनिंग आपको नहीं देगा, वो एप्लीकेशन लैग कर सकता है, वो एप्लीकेशन हैंग कर सकता है। तो इस केस में अगर वो एप्लीकेशन हैंग कर रहा है तो इसमें आपके फोन का कोई प्रॉब्लम नहीं है। आपको ऐसा लगता है कि आपका फोन में एप्लीकेशन हैंग कर रहा है तो आपके फोन की प्रॉब्लम है, लेकिन प्रॉब्लम आपके मेमोरी कार्ड में है, क्योंकि जो स्पीड उस एप्लीकेशन को रन करने के लिए चाहिए उस स्पीड से मेमोरी ट्रांसफर आपका SD कार्ड नहीं कर पा रहा है, वो उस स्पीड में डेटा आपका ट्रांसफर नहीं कर पा रहा है, इसीलिए वो एप्लीकेशन हैंग कर रहा है। तो वहां पे प्रॉब्लम आपके फोन की नहीं है, प्रॉब्लम है SD कार्ड की। दोस्तों ये बात हो गई स्मार्टफोन की। अब बात करते हैं कि आपको आपके कैमरा के लिए कौन सा कार्ड यूज करना चाहिए। अगर आप कोई DSLR यूज करते हो या फिर कोई डिजिटल कैमरा यूज करते हो और उसमें आप सिर्फ नॉर्मल फोटोज लेते हो या फिर नॉर्मल वीडियो रिकॉर्ड करते हो तो आप क्लास 10 या फिर उसके ऊपर के कोई भी कार्ड यूज कर सकते हो, लेकिन वहीं पे अगर आप 4K वीडियो शूट करते हो या फिर कोई भी ऐसा काम मतलब अगर आप रॉ फोटोज खींचते हो तब आपके लिए जो मिनिमम रिक्वायरमेंट है वो है UHS क्लास 1 की, और अगर आप UHS क्लास 3 यूज करते हो तो वो और भी बेटर है, लेकिन जो मिनिमम रिक्वायरमेंट है वो है अल्ट्रा हाई स्पीड क्लास 1 की। उम्मीद है दोस्तों मेमोरी कार्ड्स के बारे में मेरे इस वीडियो से आपको बिल्कुल ही क्लियर समझ में आया होगा कि आपको अपने नीड्स के हिसाब से कौन से मेमोरी कार्ड यूज करने चाहिए। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो प्लीज लाइक करें वीडियो या फिर मेरे चैनल रिलेटेड। अगर आपके मन में कोई भी डाउट हो, सुझाव हो, सवाल हो टेक्नोलॉजी रिलेटेड या फिर मेरे चैनल रिलेटेड तो आप नीचे कमेंट करना ना भूलें, और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर दें, क्योंकि टेक्नोलॉजी रिलेटेड ऐसे ही मजेदार वीडियो मैं आपके लिए रोजाना लेके आता रहता हूँ।